कंगना रनौत थप्पड़ कांड की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सीआईएसएफ कांस्टेबल कुरविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मारा, जिसके बाद इस मैटर पर हाहाकार मच गया। कुरविंदर कौर के कंगना को थप्पड़ मारने वाले इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर अब दो हिस्सों में बट चुका है। किसी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को सपोर्ट किया है तो किसी ने सीआईएसएफ जवान को। ऐसे में अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी इस घटना पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सीआईएसएफ कांस्टेबल की हरकत पर शबाना आजमी ने भी याद किया है। उन्होंने लिखा है, मुझे कंगना रनौत से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं खुद को इस थप्पड़ का जश्न मनाने वाले इस कोरस में शामिल नहीं कर सकती। अगर सुरक्षाकर्मी कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता। तो वहीं इस घटना पर शेखर सुमन और उनके बेटे ने भी रिएक्ट किया है। शेखर सुमन ने कहा है कि जो हुआ वो गलत है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसी बीच अनुपम खेर ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। इन एक्टर्स के साथ बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज ने भी कंगना के साथ हुए इस इंसिडेंट को लेकर अपना रिएक्शन दिया है और सीआईएसएफ ने जो काम किया है उसको लेकर कड़ी निंदा भी की है। सोशल मीडिया आज के समय में लगभग हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आए दिन कोई ना कोई वीडियो या ऐसा गाना इंटरनेट पर वायरल हो जाता है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। ऐसा ही एक गाना आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, बदोबदी, जिस पर लोग भी काफी रील्स बना रहे थे। इस गाने को स्वयंभू सिंगर बताने वाले चाहत फतेह अली खान ने गाया था, जिसे एक महीने में 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके थे। हालांकि अब YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म से इस गाने को हटा दिया है, लेकिन इस बावजूद इसके चाहत फतेह अली खान का जज्बा कम नहीं हुआ है और अब वो इसका सीक्वल लाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल नूर जहां के गाने बदोबदी से प्रेरित होकर चाहत फतेह अली खान ने ये गाना बनाया था, जो अपने समय का काफी लोकप्रिय गाना रहा। इस गाने को कॉपीराइट का उल्लंघन करने की वजह से YouTube से हटा दिया गया है। इस गाने को बीते महीने में पाकिस्तानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिंगर ने अपने YouTube अकाउंट पर अपलोड किया था, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया था। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा फैंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन को लेकर कार्तिक एक इवेंट में पहुंचे। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि एक्टर भी खुद की हंसी रोक नहीं पाए। दरअसल चंदू चैंपियन एक्टर ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस के साथ शेयर करा है। कार्तिक आर्यन ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, वेट करते करते मेरे सारे आम खा गया। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि शख्स कार्तिक आर्यन से मिलने के लिए आया था और उसे और भी स्पेशल बनाने के लिए वो उनके लिए एक गिफ्ट भी लाया था। शख्स ने बताया कि वो कार्तिक के लिए गाजियाबाद से आम लेकर आया था, लेकिन उनसे मिलने में इतनी देरी हो गई और उसे भूख लगने लगी, तो वो जो आम कार्तिक आर्यन के लिए लेके आया था वो खुद ही खा गया। मीडिया दिग्गज और इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 8 जून को हैदराबाद में निधन हो गया। फिल्म निर्देशक SS राजामौली, संगीतकार MM किरावनी और अन्य लोगों ने फिल्म सिटी में इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम सम्मान दिया है। इसके साथ ही जूनियर NTR, चिरंजीवी, मनोज मांचू, सुधीर बाबू जैसे कई साउथ सितारों ने वीडियो जारी कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जूनियर NTR ने रामोजी राव को श्रद्धांजलि देते हुए तेलुगु में एक लंबा नोट लिखा है। उन्होंने लिखा है, रामोजी राव जैसे दूरदर्शी व्यक्ति लाखों में एक होते हैं, एक मीडिया टाइकून और भारतीय सिनेमा के दिग्गज, उनकी अनुपस्थिति अपूर्णीय है। मनोज मांचू ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, रामोजी राव गारू के निधन से बहुत दुखी हूं। बचपन में ही मैं हमेशा उनका सम्मान करता था। उनकी उल्लेखनीय यात्रा और विरासत हम सभी को प्रेरित करती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रामोजी राव की एक तस्वीर साझा करते हुए कंगना रनौत ने भी एक भावुक नोट लिखा है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत ने लिखा है, भारतीय मीडिया के दिग्गज, पत्रकारिता, फिल्मों और मनोरंजन पर उनका प्रभाव एक स्थायी विरासत छोड़ गया है। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके फैंस लंबे समय से इस फिल्म को देखने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने ही वाली है, लेकिन इससे पहले दर्शकों के पास इसके पहले भाग का देखने का सुनहरा मौका आ गया है। दरअसल चेन्नई में इंडियन को फिर से रिलीज किया गया है, जहां कमल के फैंस फिल्म का जमकर मजा लेते देखे गए। चेन्नई के कमला सिनेमा में कमल हासन के प्रशंसकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। दर्शकों का एक समूह तो इंडिया इज बैक के प्रिंट वाली टी शर्ट में भी देखा गया। थिएटर में खूब हो हल्ला देखने को मिला। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो सिनेमा घरों के अंदर ही आतिशबाजी शुरू कर दी और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आते ही काफी तेजी से वायरल हो रहा है।